एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ, जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत उसे नहीं मिला। लेकिन उसने थोड़ी और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं, और तभी वहां से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गई। ऐसे में वहां का सारा पानी गंदा हो गया और उस पानी के स्रोत में मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा कि ऐसा गंदा पानी जो मिट्टी से भरा हुआ है, ऐसे गंदे पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। तो वो वहां से खाली हाथ ही वापिस चला गया और उसने जाकर गौतम बुद्ध को ये बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहां इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। अब वो शिष्य वापस उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वो शिष्य बुद्ध के लिए वो पानी लेकर गया और उसने वो पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने यह बात सबको बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़े समय तक ऐसे ही छोड़ देने से उसमें सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और वो पानी फिर से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब समय देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना ये है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे और सही फैसले ले सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अशांत मस्तिष्क से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा शांत मस्तिष्क के साथ ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है।